तो विड्रॉ करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको टीपिन डालनी होगी। तो आप अगर फर्स्ट टाइम विड्रॉ कर रहे हो एंजल वन ऐप से तो यहाँ पे टीपिन जनरेट करनी होगी, क्योंकि टीपिन डाल के आप विड्रॉ कर सकते हो। तो टीपिन जनरेट करने के लिए क्लिक हियर, जनरेट पिन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आपको टीपिन जनरेट करनी होगी। तो टीपिन जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे वो आईडी देना होगा, यानी कि एंजल वन ऐप की डीमैट अकाउंट की आईडी यहाँ पे आप डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। एंड पैन कार्ड नंबर डालने के बाद ये कैप्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ये कैप्चर फिल कर लेंगे एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलो हम सबसे पहले तो डिटेल्स डाल लेते हैं। तो आप अगर अपना एंजल वन ऐप की डीमैट अकाउंट की आईडी पता करना चाहते हो तो सबसे पहले बैक कर लेंगे और डीमैट अकाउंट की आईडी पता करेंगे। आईडी पता करने के लिए यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे अपना डिटेल्स आ जाएगा, यानी कि नाम आईडी। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे डीमैट अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे डीमैट अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट का आईडी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आईडी को कॉपी कर लेनी है। तो चलो हम यहाँ पे आईडी को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं उस पेज पर। एंड डीमैट अकाउंट के नंबर कॉपी करने का दोबारा से विड्रॉ वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इस पेज पर आ जाना है और यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स डाल देनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स डाल चुका हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दें कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देनी है। देन से वो ओटीपी डाल देंगे, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई कर लेनी है नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके। देन जैसे आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद कुछ देर यहाँ पे वेट करेंगे, अपना ईमेल पे जो कि रजिस्टर ईमेल पे अपना टीपिन भेज दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे देखते तो रजिस्टर ईमेल पे टीपिन जनरेट हो चुका है। तो इस पिन को आपको यहाँ पे डालना है।